प्रहार संघटनेचे वशिम देशमुख यांनी केला MIM पक्षात प्रवेश। नवीन विडी घरकुल परिसरात राहणारे वसीम देशमुख यांचं जितकं कौतुक करण्यात येईल तितकं कमीच म्हणावे, कारण या आधी आमचे वसीम देशमुख साहेब हे कामगार नेते तथा माजी आमदार नरसय्या आडम मास्तर यांच्या कम्युनिस्ट पक्षामध्ये कार्यरत होते। कम्युनिस्ट पक्षामध्ये त्यांनी नवीन विडी घरकुल परिसरातील नागरिकांसाठी योग्य पद्धतीने काम केला, परंतु कम्युनिस्ट पक्षामध्ये योग्य पद्धतीने आपणास न्याय मिळत नसल्यामुळे ते प्रहार संघटनेचे सर्वेसर्वा नामदार तथा राज्यमंत्री आमदार बच्चू कडू यांना प्रेरित होऊन आमदार बच्चू कडू यांचे सोलापूर शहर प्रहार जनशक्ती पक्ष व शेतकरी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष आणि शहर अध्यक्ष यांची भेट घेऊन ते काही दिवसापूर्वी मोठा गाजावाजा करत नवीन विडी घरकुल परिसरात एक मोठे कार्यक्रम घेत प्रहार जनशक्ती पक्ष व शेतकरी संघटनेमध्ये प्रवेश केला होता। जसे प्रहार संघटनेमध्ये आमचे वशिम देशमुख यांनी प्रवेश केले, तसे माजी आमदार तथा कामगार नेते यांच्या विरोधात आपली तोफ दगागल्याला सुरुवात केली, परंतु प्रहार संघटनेमध्ये राहून योग्य पद्धतीने आपल्याला संघटनात्मक बळ मिळत नसल्याच्या नैराश्यातून ते पुन्हा ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन म्हणजेच MIM पक्षाचे सर्वेसर्वा असुद्दीन ओवैसी यांना प्रेरित होऊन आणि आपली लढाई विधानसभेपर्यंत पोहोचेल या हेतूने काल सायंकाळच्या सुमारास नवीन विडी घरकुल परिसरात राहणारे या आधी कम्युनिस्ट पक्षात काम करणारे व त्यानंतर प्रहार संघटनेला रामराम ठोकणारे वसीम देशमुख यांनी आता MIM पक्षाचा झेंडा आपल्या हाती घेतलेला आहे। त्यामुळे येणाऱ्या काळात पुन्हा वसीम देशमुख हे कुठल्या कुठल्या पक्षात दिसून येणार हे तर आपल्याला येणारा काळच दाखवून देणार, हे मात्र नक्की। हा आगळेवेगळे वृत्तसंकलन केले आहेत प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलचे प्रतिनिधी इमाम जमादार यांनी। आज शहर सोलापूर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के हेडक्वार्टर ऑफिस जिसको बोलते हैं दारुस सलाम, आज यहाँ पर माशाल्लाह नहायत ही बहुत ही खुशी का दिन है। मैं बोलूँगा एक बहुत मुबारक मौका है जहाँ पर वसीम देशमुख नाम के एक जज्बाती और लड़ाकू, मैं बोलूँगा माशाल्लाह जिद्दी भी साथ में बोले तो कम नहीं है, एक वैसा शख्स आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को मिला है। इनके साथ साथ इनके सहकारी एजाज खलीफा माशाल्लाह, जिन्होंने मैं जब से देख रहा हूँ ये दोनों की जोड़ी जय गिरु जैसी दिखती है, साथ साथ में रहते हैं दोनों, कभी अलग नहीं दिखे, तो ये दोनों ही माशाल्लाह आज इनका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में इनका ये लोग आए हैं तो मैं इनका स्वागत करता हूँ। और इनके आज के प्रोग्राम में यहाँ पर आए हुए तमाम लोग हमारे कॉरपोरेटर वायदाबा वंडाले हैं और हमारे सोलापुर शहर के सबसे पुराने और सबसे पहले अध्यक्ष शकील साहब हैं, मोहसिन डीके हैं, सलीम पामा है, हमारे सीनियर लीडर नसीम भाई खलीफा है, हमारी पार्टी की बुलंद आवाज़ माशाल्लाह एजाज बागवान है, सत्तार भाई पहलवान है और हमारे टीचर्स विंग के अध्यक्ष हैं मुश्ताक सर कामकुर्ती, हारिस भाई हमारे उभरते हुए सितारे इंशाल्लाह 2022 के, और तमाम मेरे युवक टीम है और साथ में आए हुए तमाम नौजवान बुजुर्ग और जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद मैं आपको ये बोलना चाहूँगा थोड़ा सा, मैं भी वसीम देशमुख को क्या है क्या नहीं है, मैं इनको क्यों शरीक किया हूँ पार्टी में, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। काफ़ी अरसे से हमारी बातचीत चल रही थी पार्टी में शरीक होने के हिसाब से नहीं, ये जो एक बीड़ा उठाए हुए हैं, ये जो एक जिम्मेदारी के साथ एक लड़ाई लड़ रहे हैं उसके बारे में हमारी चर्चा होती थी अक्सर हमेशा। तो जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि सोलापुर के करीब यहाँ पर घरकुल करके जो वसाहत है वहाँ पर गरीब लोगों के लिए फ्री में घर बोल के आज तक राजनीति की गई है, उसी में दो तीन प्रोजेक्ट चालू है, एक रे नगर है, एक गोदूताई है और जो भी है, जिसके अंदर एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक लोगों के लिए घर का हुआ है।